का और विरुद्ध आहार कैसे आज का समय भी हम उसको देखे जाएंगे तो कैसे इस तरह का अलग अलग बीमारी बनाते हैं, इसका बारे भी हम थोड़ा बहुत हमने एक चर्चा किया। आयुर्वेद में इसको रक्तपित्त स्पेशली अधोगत रक्तपित्त, अधोगत रक्तपित्त मतलब केवल यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं है, गुद मूत्र योनि द्वार हर जगह से जो आते हो सबको सब अधोगत रक्तपित्त बताते हैं। इसके अलावा आसरंग नरम या रक्त योनि इसमें भी इसका विशेष बताते हैं। और यहाँ सारा चिकित्सा, यहाँ का सारा आपका दोष दूषी ये सब रक्तपित्त का अनुसार का चिकित्सा यहाँ पे आपको विशेष करना है। रक्तपित्त आप चरग निदान पढ़ेंगे तो फर्स्ट श्लोक में इतना बड़ा श्लोक दे रहे हैं निदान, शायद इतना ज़्यादा विरुद्ध आहार का लिस्ट और कोई बीमारी में शायद तारिक जी ने दिया नहीं इतना सारा, इसमें इसलिए सारा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी निदान में जो उष्ण तीक्ष्ण आहार उड़द कुलत तक्रम सूखा पत्ते का सब्जियां इस तरह का एक बड़ा लिस्ट बताते, ये इस तरह का आप लगातार खाने से आपको पित्त गोब करके वो रक्त को भी प्रगोभित करके रक्त पित्त बनाते हैं, ये आयुर्वेद का कहना है। जबकि इसको हमने अभी देखा कैसे इसको आहार है, और विरुद्ध आहार में भी आप देखे जाएंगे तो केवल जो लिस्ट बताया गया ये नहीं है विरुद्ध आहार, मतलब केवल संयोग विरुद्ध नहीं है, देश विरुद्ध काल विरुद्ध इस तरह का अलग अलग विरुद्ध भी विरुद्ध आहार में आते हैं। और यहाँ पे तीन तरह का रक्तपित्त बताते हैं, ऊर्ध्वगत अधोगत और दोनों जगह पे आते हैं। तो ऊर्ध्वगत साध्यम बताया गया है, तो अधोगत याभ्य बता गया गया है, और तीसरा असाध्य बताया गया है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वगत रक्तपित्त क्यों साध्यम बताया गया है, क्योंकि पित्त कोप करके रक्त को अभिद करके कफ के साथ वो ऊर्ध्व अंग में करके आपको रक्तपित्त बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रतिलोम नियम के अनुसार आपको क्या चिकित्सा करना है, अगर शोधन करना है तो वहाँ पे विरेजन करना है, क्योंकि ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में गया तो विरेजन करना है, और विरेजन अपने आप में पित्त का शोधन बन गया है, और पित्त का विरेजन के बाद सबसे लास्ट कफा दर्शन होते हैं, इसलिए वहाँ पे कफ का भी शमन हो जाते हैं। और इसके लिए काफ़ी औषध भी हमको मिल सकते हैं, तिक्त कषाय मधुर छोड़ के मधुर भी हम मधुर कषाय देंगे तो वहाँ पे भी उसको हम दे सकते हैं। लेकिन अधोगत यप्त रक्तपित्त क्यों यापियाँ हो रहे हैं, वहाँ पे अधोगत रक्तपित्त हमेशा पित्त प्रकोपित होकर वहाँ वाद के फोर्स के साथ वो अधोगत रक्तपित्त उन्दक वाद को अनुलोम गति के कारण वहाँ से उसको वाद के पित्त के साथ अनुबंध दोष वाद होके वहाँ पे अधोगत रक्तपित्त निकल। लेकिन यहाँ पे हम प्रतिलोम नियम के साथ अगर चिकित्सा करेंगे तो यहाँ पे करना है वमन, लेकिन वमन खुद ही ना तो पित्त का शोधन है ना वाद का, इसलिए यहाँ पे हम वमन नहीं कर सकते हैं। औषध भी यहाँ पे कम है, क्योंकि तिक्त कषाय यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वाद के लिए सही नहीं है, मधुर सिर्फ एक जो है हम उससे ठीक कर सकते हैं। तिक्त कषाय में क्या है कि हम फिर मधुर विभाग या मधुर गुण कषाय बना के भी कर सकते हैं, इस तरह का हम थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे उसको याप्यम बताया गया है। अभी आप असरंगदर के बारे में बात करेंगे तो चिकित्सा मंजरी में वाद रक्तम फेनिलम श्याम मच्छम पिताद पीतम विस्रमुष्णम कृष्णम पांडुस्निग्धम श्लेष्म तस्तुंदमच्छ तत्र त्याज्यम सर्वजम सर्वलिंगम। मतलब वाद पित्त और कफ असृंगदर को अलग अलग करके हमको चिकित्सा मंजरी में बताते हैं। वाद असरंगदर में, असरंगदर मतलब वहाँ पे हम केवल यूट्रेन ब्रीडिंग का बात करते हैं, तो फेनम और डार्क
या एक ब्लैक या डार्क कलर से ब्लीडिंग आएंगे, या फेनम भी साथ में होंगे तो वाद है। पित्त का है तो लाइट डार्क होंगे या येलो कलर येलोइश होंगे, उष्ण और विस्र चिकनापन जैसा भी होंगे, और होते समय गर्मी लगेंगे या गर्म जैसा लगेंगे, या आसपास पर जहाँ जलन भी हो सकते हैं। इस तरह का अलग अलग आते हैं, और बिल्कुल एक कच्चा मांस का स्मेल भी आ सकते हैं। ये सब पित्त का है। कफ का देखेंगे तो एक लाइट येलोइश कलर में निकलते हैं। और असंगदर का निदान क्या क्या बताते हैं? शोगोबवासा दधि मैथुन आदि मैथुनाच्छ विदाहिचा श्रमा देवदुष्टम प्रवर्तते योनि याद काले प्यसृद प्यसृंगदरम तम प्रदरम च विभ्यात। यहाँ पे शोक के कारण एक बताया है, दुख का कारण। आप हम लास्ट टाइम हम जैसा डिस्कस करते समय, आज का समय में मॉडर्न समय इसको एक इमोशनल कोसेस भी माना गया है। ये इमोशनल कोर्स आयुर्वेद तो काफ़ी साल पहले ही, काफ़ी हजारों साल पहले ही ऑलरेडी बताएंगे, इमोशनल कोर्सेस के कारण भी हो सकते हैं। और अधिमैथुन ज़्यादा इंटर कोर्स करने से, ज़्यादा इंटर कोर्स करने से यहाँ पे खाना तीक्ष्ण उष्ण खाना खा के फिर मैथुन करना, या कुछ भी खाने खा के, या बिल्कुल दोपहर के समय पित्त का समय में मैथुन करना, इस तरह का लगातार करने से भी रक्तपित्त हो सकते हैं। और दारू जैसा अल्कोहल वगैरह लेके, आज के समय में फैशन है इस तरह का अल्कोहल वगैरह लेके उस समय भी इस तरह का मैथुन करना, वो भी गलत है। इस तरह का असरंगदर का जो निदान हमारा चिकित्सा मंजरी में आपको बताएंगे, तो रक्त योनि में बताते हैं, पित्त रक्त करेर नार्य रक्तम पित्तेन दूषितम आदि प्रवर्तते योनियाम लब्धे गर्भे विसंसृजा। यहाँ पे रक्त और पित्त दूषित करके, प्रकोपित करके, वहाँ पे उसको ज़्यादा ब्लीडिंग आएंगे, और वो गर्भ अबॉर्शन या इस तरह के गर्भस्राव भी वहाँ पे करने लायक हो जाते हैं। इस तरह का आप उसको रक्तपित्तम असृंग नरम यत्र योगनि, इसमें तकरीबन एक ही चीज़ बताते हैं आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से, अगर आप ये मॉडर्न वगैरह आप छोड़िए, हम कई बार मैंने अलग अलग क्लासेस में बताया गया है कि एक पारंपरिक वैद्य एक बीएमएस डॉक्टर से ज़्यादा सक्सेस क्यों होते हैं, ये कहीं लोग पूछते हैं। तो उसको एक ही कारण है, कारण ये है कि पारंपरिक वैद्य को, उनको आयुर्वेद के बिना उनको कुछ आते नहीं है, उनको मॉडर्न साइंस नहीं आता, उनको कोई यूएसजी देखने नहीं आता, उनको कोई सीबीसी देखने नहीं आता, उनको एक एक्सरे देखने नहीं आता, उनको एमआरआई सीटी देखने नहीं आता, या उनको इस तरह का उनने कोई डायग्नोसिस पढ़ा नहीं है, या उन्होंने इस तरह का बड़ा बड़ा जो वर्ड्स है मॉडर्न टर्म्स है मेडिकल टर्म्स, ये उन्होंने कभी सुना नहीं है, उनको उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। उनको केवल ये पता है पेशेंट आया, उसको अष्टस्थान परीक्षा करना है, दशविध परीक्षा करना है, उसको देखना है वात पित्त कफ में कौन सा दोष है, कौन सा दूष है, उसी हिसाब से उसका देखना है, उसका निदान देखना है, उसको निदान के बारे में समझाना है और दवाई लिखना है, और पेशेंट आराम से ठीक हो जाता है। क्योंकि अष्टांग जी ने पहले बताएंगे, आपको डिजीज का नाम नहीं बताया तो अभी आपको दोष है दूष एनालिसिस ठीक ठाक से कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको आप दवाई दे सकते हैं, तो आप दवा आपका डिजीज का नाम छोड़िए, पेशेंट ठीक कर सकते हैं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम उसको दोषी दोषी के साथ साथ एनालाइज कर, हम पहले हमारा दिमाग कहाँ जाएंगे, अनाटमी फिजियोलॉजी मॉडर्न मेडिकल टर्म्स, उसका डायग्नोसिस उसका इन्वेस्टिगेशंस, वहाँ पे डॉक्टर ने क्या लिख दिया है, इसको मॉडर्न में क्या बताया गया है, फिर उसके बाद हम मेहनत करने लगेंगे इसको हम कैसे आयुर्वेद के साथ कैसे उसको जोड़ेंगे, और आधा दिमाग तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे, और फिर हम बोलेंगे आयुर्वेद में दवाई नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक बेमस डॉक्टर का कारण नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम से ही आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी
मॉडर्न का पढ़ के आते हैं आप लोगों का कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि यहाँ पे कितना लोग होंगे जो आयुर्वेद उनको स्व इच्छा से चूज किया, मुझे नहीं लगता अगर है, अगर एक या दो लोग है तो वो बहुत शुक्र वाली बात है, क्योंकि आप सबका फर्स्ट चॉइस MBBS है। MBBS नहीं मिला मैं तो होमियो, वो भी नहीं मिला तो आयुर्वेद, सोच के नहीं आए इधर, मन तो MBBS के लिए था, उसके लिए कोई मार्क नहीं मिला, पीछे आ गया तो BAMS मिला। तो उस समय से ही आप लोगों का एक अटैचमेंट एक सॉफ्ट कॉर्नर मॉडर्न साइंस के लिए है, क्योंकि आपने आपका स्वप्न वो उस तरफ है, वो नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं वो अंदर का वो कॉम्प्लेक्स और ईगो वो आपको मॉडर्न टाइम्स के वहाँ पे मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस के लिए मॉडर्न मेडिसिन्स का उधर आपको खींच के लेके जाते हैं, और आप फर्स्ट ईयर में वगैरह पढ़ते भी या एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह जो पढ़ते समय भी आप लोगों को उस तरह का इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं, और आयुर्वेद के तरह इंटरेस्ट आपको वापस होने के लिए आपका कॉलेज में भी इस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम हमारा सरकार ने बना के रखा नहीं है जो आयुर्वेद के बारे में ऑथेंटिकली एक सिस्टमेटिकली लोगों को जो पढ़ने वाले डॉक्टर्स को भी विश्वास आने के लिए, क्योंकि आप लोग सब एग्ज़ाम के लिए पढ़ाए, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाए, इसलिए आपको जितना भी पढ़ा है वो कुछ भी याद भी नहीं है। अभी भी आप लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी कोई CME रखा, कहीं पे भी कोई सेमिनार रखा तो वहाँ जाते हैं तो पहले कॉल करके क्या पूछते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, क्योंकि अभी भी सर्टिफिकेट के लिए भुक्खा कर रहे हैं आप लोग, सर्टिफिकेट के लिए पीछे जा रहे हैं, तो कैसे सीखेंगे आयुर्वेद। तो ये सब शो को सर्टिफिकेट जिससे जस्ट ए पेपर, योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मैटर्स, अगर वो नहीं है तो फिर ये सारा सर्टिफिकेट लग के कोई फ़ायदा नहीं है। आज का समय में अगर आपने जो एग्ज़ाम किया, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक वाला कहीं डॉक्टर्स होंगे, शायद हमारा ग्रुप में भी होंगे, अगर उनको बोलूँ अभी वापस एक बार एग्ज़ाम कर दो सेम एग्ज़ाम, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक मिलेंगे उसको, शंका है कि वो पास हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपको आपका टीचर पढ़ाते हैं आपका कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाते हैं आपको, अगर वो जो पढ़ाते हैं वो सेम टॉपिक वो सेम सब्जेक्ट अगर उनको बोलेंगे एक बार एग्ज़ाम देने के लिए तो वो खुद फेल हो जाएगा। तो एजुकेशन से कोई मतलब नहीं हो रहा, क्योंकि एजुकेशन ना पढ़ाने वाला ना पढ़ने वाला उस मायने से पढ़ते नहीं है। तो ये सब हमको सुधार लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो रक्त पित्त में आपको मॉडर्न से ज़्यादा यहाँ पे क्या देखना है, उसका जैसा अभी आपको बताया अधोगत रक्तपित्त है तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा हर रक्तपित्त में पित्त और रक्त को कंसिडर करना है, साथ के साथ आपको अधोगत रक्तपित्त में असरंग नर में आपको वाद को कंसिडर करना है। दो कारण हैं, एक अधोगत रक्तपित्त में यहाँ पे भी वाद का अनुबंधी बताया गया है, इसके अलावा सारे योनि बाबत चिकित्सा में वाद के अलावा नहीं हो सकते हैं, तो उस कारण में भी यहाँ पे आपको करना है। तो आपको यहाँ पे खुल मिला के पित्त रक्त वाद इसका कंसिडर करके दोष दूष एनालाइज करके, जैसा पहले बताया वाद असरंगदर है, पित्त असरंगदर है, कफ असरंगदर है, वाद पित्त है या वाद कफ, ये भी देख के अगर आपको इलाज कर सकता है तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर 100% आपको मैनेज कर पाएंगे। और इसके लिए हम जो ब्लड आते हैं वो दोष दुष्ट रक्त है या शुद्ध रक्त है, इसको हम देखने के लिए जैसा विपुल जी ने ऑलरेडी बताया गया है, एक वाइट कॉटन में उसको एक बार थोड़ा सा वो ब्लड करके उसको थोड़ा साफ करते समय अगर साफ करके अगर चले जाते हैं तो वो शुद्धार्थव है, और अगर नहीं जा रहा है तो वो आपका शरीर का रक्त भी उसमें शामिल है, जैसे दौतम इच्छा विरेचदे ऐसा बताया है, या आप जो खून वो अगर कोई कौवा या कुत्ता वगैरह को देंगे अगर वो खाते हैं तो उसका मतलब वो शुद्ध रक्त है, वहाँ पे आपको स्टॉप करना चाहिए, अगर वो नहीं खा रहे तो वो अशुद्ध रक्त है उसको जाने देना है,
ये अशुद्ध रक्त है जाने देना है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक और चीज भी आपको याद रखना है, अगर पांडु रोगी है, अगर अनीमिया है, HB कम है, 7 से कम है, तो भी अगर आप वहाँ पे अशुद्ध रक्त हो तो भी आप उसको वहाँ पे जल्दी से जल्दी रोकना होगा, नहीं तो जल्दी हम अशुद्ध रक्त बोल के उसको हम नहीं रोकेंगे और पेशेंट का HB लेवल कम है और कम हो जाएगा, 6 के नीचे आएंगे तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जब चिकित्सा का बात करेंगे, एक आपको बाकी सारा कोसेस को, बाकी सारा जैसा फाइब्रोड के वजह से, एडिनोमायोसिस के वजह से, किसी भी गायनेकोलॉजिकल कोसेस के वजह से जो ब्लीडिंग आते हैं, उसको सारा आप एक जगह कर लीजिएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कारण, उसका कारण जो आते हैं, और एक पांडो या अनीमिया का कारण आते हैं, और 14 एक लीवर फेलियर का कारण, इसको चारों का हम चार तरह का चिकित्सा करना होगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का जैसे करते हैं, वहाँ पे आप मुसली गजरा दिखा शायम गुशियाने का चूर्णम ये देते रहेंगे तो वहाँ पे उसका रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वो पेशेंट को आप बार बार पूछना है, पेशेंट एकदम से बताएगा नहीं। तो इस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कोई मेंस्ट्रुएशन पोस्टपोन करने के लिए कोई IPL जैसा कुछ तरह का कुछ किया लिया है तो वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लिया तो वहाँ पे आपको धन्वंतरम कषायम में धन्वंतरम गृधम मिला के देना है, या धन्वंतरम कषायम अलग से देना है, धन्वंतरम गृधम अलग से देना है। दशमूलक क्षीरधारा लोअर अब्डोमेन में, दशमूलक क्षीरधारा लोअर अब्डोमेन में करना है, दशमूल धन्वंतरम तैलम का पीचू करना है, और पेशेंट को कम से कम 7 डेज बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, तो ये ब्लीडिंग रुक जाएगा। बाकी नॉर्मल हमारा यूट्रिन ब्लीडिंग में असरिंग दर्द का जो अंदर आते हैं, उसमें आपको 100 सोफ मेडिसिन है, इसमें बिल्कुल कुछ मेडिसिन अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। एक मुसली खदिरादि कषायम, सस्र योग का योग है, मुसली गदरादि कषायम, मुसली गदरादि कषायम, उसको शहद मिला के सुबह आप देंगे, असरंग नर में भी श्वेत प्रदर में भी दोनों में वहाँ पे वो काम करते हैं, और असरंग दर वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाएगा। सुगुमारम कषायम, महातिक्तकम कषायम, महातिक्तकम कषायम, और यहाँ पे जो भी इसके अलावा जो भी यहाँ पे बताते हैं, इसके अलावा आप जो भी अधोगत रक्त पित्त में, जैसा रक्त आर्षस में देने वाला सारा मेडिसिन यहाँ पे भी इफेक्टिव होंगे। पुष्याने को चूर्णम दूध में मिला के दे सकते हैं, शदावरी गुलम और सारसिजम अग्रंदादि चूर्णम, सहस्र योग का एक योग है ये भी। इस तरह का बहुत सारे दवाई है, मुस्तामृदादि कषायम, और एक तेंगिन पोकुलादि लेहियम, ये भी एक शास्त्रों का योग है, केरला का कंपनियां बनाते हैं। जब वहां पर वाद प्रधान असरंगनर में काले तिल का तिल पीस के उसमें दही, घी, गुड़ और शहद ये चार मिला के खाएंगे तो वाद प्रधान असरंगनर के लिए विशेष है। और सुअर का मांस का सूप बना के, साथ के साथ कुलथ का भी सूप बना के दोनों मिक्स करके लेंगे तो भी वाद प्रधान असरिंदर में विशेष है। मुलेठी सौंठ ये दोनों मिला के पीस के, दही शहद और शक्कर मिला के लेंगे तो भी वाद प्रधान असरिंदर में विशेष है। पहले जो बताया था वो सारा, अभी जो अभी तक जो मुसली गदरादि सुकुमार महारिक्तम वगैरह जो बताया था, वो सारा आपको हर टाइप का असरंगनर में दे सकते हैं। अभी जो बताया है वो वाद असरंगनर में विशेष है। पित्त असरंगनर में चंदन, मुस्ता और दोनों पीस के शहद और शक्कर के साथ देंगे तो भी आराम हो जाएगा। पित्त असरंगनर में एक बार विरेजन करके, शुद्ध करके, वहाँ पे आपको महातिक्तकम गृधम देना है तो भी सही हो जाएंगे। कफज असरंगनर में मुलट्टी, त्रिफला, लोद्रम ये तीनों शहद के साथ देना है, या नीम का चाल और अमरुद या गिलोय ये सुरा या अल्कोहल के साथ देना है। इसके अलावा धन्वंतरम पीचू एक माइल्ड टू मॉडरेट तक आपको धन्वंतरम पीचू से ये जो बोल रहे हो सारा असरंगनर के लिए दे सकते हैं। धन्वंतरम पीचू एक माइल्ड टू मॉडरेट आप धन्वंतरम पीचू कर सकते हैं। थोड़ा सा सीवियर है तो वहाँ पे आपको धन्वंतरम के साथ मक्खन मिला के पीचू करेंगे तो और जल्दी ब्लीडिंग रुक जाएगा। इसके अलावा बला का काढ़ा या बला और जबा पुष्प
का मूल, उसका दोनों को काढ़ा भी कर सकते हैं, दोनों अकेला अकेला भी काढ़ा बना सकते हैं। गिलोय, वाशा, अभामार्गा, जबा, पुष्पा मूल, उशीर, शालपर्णी, उदुम्बर, बला, इसका काढ़ा गुड़ मिला के लेंगे तो भी हर तरफ का असरिंदर, हर तरह का मतलब ये जो गायनेकोलॉजिकल कॉसेस के कारण जो हो रहे हैं वो सबके लिए बहुत इफेक्टिव है। और प्यूबर्टी मेलर्जी का बात करेंगे तो वहाँ पे अनीमिया का कारण होते हैं, तो वहाँ पे आपको दाढ़ी मादी गर्दन प्लस रजन्यादि चूर्णम मिला के देने हैं। ये दाढ़ी मादी गर्दन रजन्यादि चूर्णम केवल एक अनीमिया का नहीं है, वहाँ पे क्या कि जिसको आयोन, डायरेक्ट आयोन अगर अब्सर्व नहीं होते उसको भी दाढ़ी मादी गर्दन रजन्यादि चूर्ण से आयोन अब्सर्वेशन मिलते हैं और आयन बाइंडिंग मिलते हैं उसके लिए। वो दाढ़ी मादी गर्दन आप लोगों को पता है वो इनफर्टिलिटी में भी बताया गया है, तो यहाँ पे जिसको जो इनफर्टिलिटी भी है साथ के साथ उनके लिए दाढ़ी मादी गर्दन दोनों तरफ से उसको काम करेंगे। महादीप्तकम गृदम, मंडूरवडगम, धात्री गृदम और पांडुरोगांधक रसम और व्योष्यादि वडगम, ये सब इस तरह का प्यूबर्टी मेनोरोजिया ड्यू टू अनिमिया में देंगे तो वो वहाँ पे ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएंगे, और वहाँ पे मूसली गदराजी वगैरह देंगे तो नहीं एक्ट करेंगे। और लिवर फेलियर, क्योंकि लिवर फेलियर कैसे मेनोरोजिया होते हैं जैसा मॉडर्न में बताया, आयुर्वेद में ऑलरेडी बताया गया है, यकृत प्लीहा रक्त का स्थान है, वहाँ से वो कोब होके तो मेनोरोजिया अधोगत रक्तपित्त बनाएंगे, और वहाँ पे भी आपको देना है वशा गुलुच्यादि कषायम के साथ हमस मंडूरम, या वशा गुलुच्यादि कषायम के साथ मंडूर वडगम, महातिक्तकम कषायम और त्रिपदी या हमसपदी नाम से जो एक प्लांट आते हैं उसको पोटली बना के उसको मांड चावल के साथ उसको डाल के उसको खाने के लिए देंगे, भूई आमला दूध में देंगे, तो ये सब आपको ये ड्यू टू लीवर फेलियर में मेनोराजी आते हैं तो उसके लिए देना है। ये अभी सब आपको जो चिकित्सा बताया, इसके अलावा जो अक्यूट ब्लीडिंग है, अक्यूट एंड सीवियर क्रिटिकल स्टेज में आपको देना है, बहुत तुरंत उसको रोकने के लिए देना है, तो उसके लिए कुछ योग भी बताता हूँ। कमल का जो कली, मक्खन और शक्कर, ये तीनों मिला के देंगे तो तुरंत रुक जाएगा। कुड़जावले है तुरंत रुकने के लिए है। सहदेवी, सहदेवी का पूरा पंचांग लेके उसको या दही या छाछ या मक्खन के साथ, ये दही छाछ मक्खन के साथ मतलब यहाँ पे आपको युक्ति लगाना है, एक माइल्ड ब्लीडिंग है तो वहाँ आप उसको दही के साथ देना है, मॉडरेट है तो छाछ के साथ देना है, सीवियर है तो वहाँ पे आपको मक्खन के साथ देना है, ये आपको बाकी भी इसमें आपको एप्लीकेबल है। और गन्ने का जो टुकड़ा करके वो पहले एक बार ओडी में बताया था वो भी तुरंत रोकने के लिए है। नागकेशर, मक्खन और शक्कर, ये भी तुरंत रुकने के लिए है। पांच जबा पुष्प का रेड कलर की जो कली है वो दूध में मिला के लेंगे तो भी तुरंत रुक जाएगा। और ये सब एक सब देने के जरूर नहीं कि माइल्ड टू मॉडरेट हम उसको कर देख के देना है। और नस्यम, नस्यम यहाँ पे क्यों बताते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ा है जब रुधुमती का बताते समय वहाँ पे मना किए हैं नस्यम, रुधुमती के लिए नस्यम मना है क्योंकि क्या उसको रुधिरापित रुक जाएगा, मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, इसलिए नस्यम वहाँ पे मना किया। तो वहाँ पे वो जो अनुबशय है तो यहाँ पर उपशय है, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे वो ब्लीडिंग रोकना है तो हम यहाँ पे नस्यम कर रहे हैं। नस्यम करने के लिए सबसे बेस्ट वाशासुरस है। वाशासुरस एक आठ बूंद मर्शनस्य के नियम प्रकार आप एक आठ बूंद एक 3 दिन लगातार देंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगा। या दुर्वासुरस यूज कर सकते हैं, अगर दोनों नहीं मिल रहा तो क्षीर वाला 101 भी काम करते हैं, वो भी आपको दे सकते हैं। दशमो वाले श्रद्धा क्षीरधार लोअर एब्डोमेन, सद्य फल है। और रेड कलर की अभामार्गा, उसका पत्ता एक पांच पत्ता तिल का तेल के साथ पीस के देंगे तो भी तुरंत रुक जाएगा। और रैबिट ईयर जो एक बार यहाँ पे दिखाया था उसका दूध में मिला के देंगे तो भी तुरंत रुक जाएगा। इस तरह का बहुत सारा दवाई है, अभी थोड़ा सा बता दिया अभी, क्योंकि
अब एक ही दिन हम पूरा उसको एक कम से कम एक 300-400 दवाइयां हैं जो हमको ब्लीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्व रोग चिकित्सा रत्नम जैसा ग्रंथों में बताते हैं, अन्नदानम प्रभातव्यम स्वर्णदानंज शस्यदे रक्तपित्त प्रशांत्यर्थम गणेशांजादि पूजयेल। ये रक्तपित्त में कभी ऐसा होते हैं कि हम सारा ट्रीटमेंट कर दिया है, ये भी किया वो भी किया, लेकिन कुछ भी करो ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है। ये सारा ट्रीटमेंट इस तरह का भी आपने ये हर जगह के हिसाब से देख लिया लेकिन ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस होते हैं। ये सिर्फ रक्तपित्त में नहीं है, और भी अलग अलग जगह होते हैं इस तरह के केसेस में। वहाँ पे आपको उनका पेशेंट का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ देख के, उसका राशि देख के, उसका नक्षत्र देख के, वो नक्षत्र अगर आप कोई भी गणपति जी का मंदिर में जाके बताएंगे और वहाँ पे गणपति पूजा करने के लिए उनको बोलेंगे या पेशेंट को खुद ही बोलेंगे, ये गणपति पूजा करने से इस तरह का रक्तपित्त, शीत पित्त, इस तरह का पित्त दोष के लिए गणपति पूजा अच्छा है। अन्नदान और स्वर्णदान भी अच्छा है, उससे दोनों से ज़्यादा बेहतर है गणपति पूजा। तो पहले अन्नदान कर सकते हैं या स्वर्णदान कर सकते हैं, गणपति पूजा इसमें सबसे बेहतर होते हैं। ये सिर्फ रक्तपित्त में नहीं है, कुछ केस अभी यहाँ पर रतलाम में केसेस केस द एक शीतपित्त है, 10 साल से शीतपित्त है, 10 साल से, क्योंकि आयुर्वेद में बताते हैं शीतपित्त अगर जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया तो वह असाध्य हो जाते हैं, कृच असाध्य असाध्य हो जाता है। तो 10 साल से ऑलरेडी शीतपित्त है, यहाँ पे आया किसी ने बताया कि एक 40-45 साल का है, तो यहाँ पे उनको शीतपित्त देखा, उसको इस हिसाब से उसको दवाई दिया, 1 महीने दिया, 2 महीने दिया, 3 महीने दिया, बस वो दवाई लेते जा रहे लेकिन कोई 1 रुपये का उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। और उनका पता नहीं, उनको उनको तो ये है कि मैं ठीक होंगे तो आपसे ही होंगे, ऐसा करके उन्होंने जिद्दी करके यहाँ पे आ भी रहे तो, और ठीक भी नहीं हो रहे, और उसके बाद उनको उनका नक्षत्र के हिसाब से उनको गणपति पूजा किया है करने के लिए उनको बताया, तब से उनको गणपति पूजा किया है, उसका 1 हफ्ते के अंदर उनका शीतपित्त कम्प्लीटली, उसका इचिंग और जो रैशेस वगैरह आना 10 साल से जो आना वो बंद हो गया है, उसके बाद कभी आया ही नहीं है अभी तक। अगर आप लोग चाहें तो इसका केस स्टडी डॉक्टर सुमित्रा के पास होंगी, उनको याद होंगे ये केस। इस तरह का भी काफ़ी अलग अलग, कभी कभी क्या होते हैं कि कभी कभी हमारा चिकित्सा सिद्धांत वगैरह कभी काम नहीं होते, तो उस तरह का जगह पे हम इस तरह का कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं। इसका कोई आप कोई चिकित्सा सिद्धांत वगैरह पूछेंगे तो इसका कोई चिकित्सा सिद्धांत वगैरह नहीं बता सकते, या अगर आप लोगों के एक आपतोपदेश का रूप में अगर लेके जो विश्वास, जिसको विश्वास है उनको इस तरह का भी जो कर सकते हैं तो उनको इस तरह का भी कर सकते हैं। इस तरह का हम आयुर्वेद में वो ब्लीडिंग के लिए इस तरह का हमको बहुत आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। और आप लोग केवल ये सुनने से कुछ होते नहीं है, आप लोग जब तक आप लोगों का प्रैक्टिस में उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, आपको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर लीजिए, और जो भी अभी तक आप लोगों को बताया गया है उसमें जितना सारा डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स, जो मुझे उसका आंसर पता है तो मैं आपको तुरंत उसका जवाब देंगे, और जो मुझे मेरा ज्ञान का ऊपर का चीज़ है तो मैंने उसको अलग 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 ग्रंथों रेफर करके आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।